क्योंकि भाव जो विवाद अभी हाल फिलहाल में हुआ उस बारे में आप अगर आप कुछ कहना चाहें तो। क्या चीज का विवाद? आपने जो अपनी बात रखी। हाँ, मैं अभी नहीं बोलता हूँ, मेरे सारे वीडियो उसमें यही बोलता हूँ कि किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी मजहब के बारे में आप मजाक नहीं उड़ाने का। हर किसी को अपना धर्म प्यारा होता है और कहीं ना कहीं आप वो मजाक के तौर पे किसी को, किसी के सेंटिमेंट को हर्ट कर रहे हैं। तो इसके वजह से हर बार मैं बोलता हूँ कि यहाँ ये यही है वो हिंदुस्तान जहाँ पे सब मिल बांट के रहते हैं, इसलिए हम सब एक ही बोलते हैं। तो इसके वजह से मैं बोलता हूँ कि आज आप देखो मेरे बहुत सारे मुसलमान भी दोस्त हैं जो मेरे गणपति बाप्पा में आते हैं, उनका जब कुछ भी त्यौहार, ईद रहने दो, कुछ भी मुहर्रम रहने दो, कुछ भी रहने दो, भाऊ वहाँ पे जाता है। तो हम सब एक है यार। तो किसी को भी बुरा लगे, किसी के भी धर्म के बारे में गलत मत बोलो, मैं ये बोलता हूँ। धर्म को छोड़ के तुम्हारे को जो करना है वो करो, धर्म को बांटने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में सब एक है। तो किसी का मजाक मत उड़ाओ, ना किसी के धर्म का फायदा उठाओ, बस ये बोलता हूँ मैं। भाव, क्या आपको लगता है आपकी बात को गलत तरीके से लिया गया? अभी देखो, पांचों उंगली एक जैसा नहीं रहता ना, कोई अच्छा सोचता है, कोई बुरा सोचता है। अरे भगवान को बुरा बोल देते तो अपनी औकात क्या है, ये तो चलते रहता है। मगर मैं आज भी यही बोलता हूँ आपके मीडिया वालों को, जो भी हिंदुस्तान में किसी भी धर्म के बारे में गलत बोलेगा, भाऊ बोलते रहेगा, भाऊ आवाज़ उठाएगा, फिर वो मेरा जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मेरे को टेंशन नहीं है, क्योंकि जो मुझे समझता है वो मुझे समझता है, जो मुझे नहीं समझता है उसको मैं समझाना भी नहीं चाहता हूँ, बस। बहुत लोग आपके सपोर्ट में भी आए हैं, नॉन मुस्लिम मतलब अलग अलग धर्मों के लोग आपके पक्ष में खड़े हुए, इस बारे में क्या कहना? हाँ, क्या है मालूम है, इसलिए उन लोग मेरे सपोर्ट में आए। आज काफ़ी सारे मुस्लिम भाइयों ने, मेरे दोस्तों ने, जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, उन लोग मेरे सपोर्ट में आके मेरे लिए वीडियो बनाए कि भाऊ हर धर्म की इज्जत करता है, भाऊ हर धर्म का कोई भी अगर कुछ बोलेगा तो आवाज़ उठाता है। उन लोग जानते हैं मेरे बारे में कि कैसा है मैं, तो इसके लिए आएंगे सपोर्ट में। जो नहीं जानते, बस अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, वो चलाएंगे ना भाई, नहीं तो दुकान कैसी चलेगी। उनको मांगता है ना यार कुछ ना कुछ, तो जो जिनको कुत्ता नहीं पहचानता है, आज भाऊ की वजह से अगर पेपर में नाम आ गया तो उसके लिए तो उसका बर्थडे हो गया ना, ऐसा है। हाँ, सोशल मीडिया आपके अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिए गए, लेकिन रातों रात बहुत सारे भाव के फैन बन गए, भाव के पेजेस आ गए, बारे में क्या? देखो, अकाउंट उड़ना ये मेरे लिए बड़ी बात नहीं है और कुछ नई बात नहीं है। अभी तक मेरे 7-8 अकाउंट उड़ चुके, तो नई बात नहीं। तो कोई अगर ये सोचता रहेगा ना कि भाव का अकाउंट उड़ाने के बाद भाव चुप बैठेगा, तो भाव चुप बैठने के लिए पैदा नहीं हो गया है। हिंदुस्तान ने बनाया मेरे को हिंदुस्तानी भाव, तो मेरा फर्ज बनता है, आवाज़ उठाते रहूँगा। एक गया, 10 गया, 15 गया, क्या किसका किसका, तुम कितने बार मेरा मुँह चुप बैठाएगा ऐसा? खास बात आपको लगती है भाव की, जब मैं बात करता हूँ, क्या ऐसी क्वालिटी है जो आपको छूती है इंडिविजुअली, कि आप ये शख्सियत भाव की बहुत अलग है, सबसे जुदा है? एक सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान के लिए प्रेम, और सब छोड़ दो आगे की सारी चीज़ आ गई, भाव को जो हिंदुस्तान के लिए प्रेम है वो उनकी सबसे बड़ी बात है। कौन है इनके अलावा और एक हिंदुस्तान से और एक आदमी दिखा दो जो जिनके सामने खड़े रहते? क्या भाऊ को कोई रिस्क नहीं, उनको वो डर ही नहीं है? अभी मेरे को एक बात बताओ, आज मेरे को कुछ ज़रूरत नहीं है सब करने की, कुछ ज़रूरत नहीं मेरे को करने की, ऊपर वाले के पापा के आशीर्वाद से सब कुछ है मेरे पास। आज यह सोशल मीडिया का पहला ऐसा बाप है जो खुलेआम गाली देता है, वो आतंकवादियों से ले के गद्दारों की सबकी बजाता है। मैं क्या लगता है, मेरे को धमकियाँ नहीं आती? बीच में मेरा वीडियो भी वायरल हो गया था जो ISI वालों ने मेरे को धमकी दिया था, मेरे पे 10 करोड़ का इनाम रखा है, ठोक डालेंगे घंटा, चुप बैठू मैं, मरेगा तो शेर जैसा मरेगा, कुत्ता बिल्ली का मौत नहीं मांगता अपने को, और जो होएगा देखा जाएगा। मेरे को मालूम है हिंदुस्तान के लोग कितने मेरे साथ है और कितने नहीं है, तो जो है ना उनसे बहुत प्यार करता है, और जो नहीं समझते ना उनको भगाओ इधर से, मेरे को परवाह भी नहीं उन लोग की, ऐसा। थैंक यू, थैंक यू।